المتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. मौजूद हाजरीन, हम लोग पिछले इसमें दो दुरूस, दो हफ्ते यानी जो कुछ पिछला पढ़े थे, बहुत शॉर्टली तौर पर और इशारे के एतबार से इशारात देते हुए हमने कुछ मुख्तसर सा रिवाइज किया और उसको दोहराया। आज इंशाल्लाह हम नया सिलसिला जहां पर रुके थे उस नए सिलसिले को इंशाल्लाह आज से हम जारी रखेंगे बिस्मिल्लाह ताला। अब इसमें किसी को भी इंशाल्लाह सवाल अगर होते हैं, दरमियान में भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उस सवाल को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे बिस्मिल्लाह ताला। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा के पास हिजरत करके आए थे। कुबा के पास आपने क्याम फरमाया था। कुबा दरअसल बताया था मैं कि अम्र बिन औफ इनके नाम से वो बस्ती थी, तो आप वहां पर क्याम किए। पीर के दिन आप पहुंचे थे तो पीर मंगल बुध जुमेरात तकरीबन तीन दिन, अब उसमें भी काफी इख्तिलाफ था, वो भी मैं आपको जिक्र कर दिया था। अब यहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा में थे तो किसके घर पर थे, जियाफत मेजबानी किसने की थी, तो हजरत कुलसूम बिन हिदम रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आप ठहरे थे। कुछ लोग कहते हैं कि साद बिन खैसम रजी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ ठहरे थे, तो मैं इसकी दोनों की वजह बता दिया था, दोनों कौल को जमा करके बता दिया था कि आप थे तो कुलसुम बिन हिदम के यहाँ ही। अलबत्ता हजरत खैसम रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये इनकी शादी नहीं हुई थी, तो लोग जो मुलाकात करने के लिए आते थे तो आप खैसम रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर चला जाया करते थे। तो इससे मालूम हुआ कि दोनों कौल की जमा तत्वीक यहाँ पर मौजूद है। तो फिर उसके बाद आप सुबह जो है जुमा के दिन निकले आप मदीने की तरफ। अब चूंकि कुबा मदीने के बाहर होता था तो रास्ते में कई हर कबीले के अफराद आपसे मुलाकात किए, जिक्र किया था मैं, हर कबीले के अफराद आपसे मुलाकात किए। हर कोई ये कहता था कि मैं मेरा कबीला, मेरा खानदान जो है माल के एतबार से, ताकत के एतबार से, हर एतबार से मजबूत है, लिहाजा आप हमारे यहाँ क्याम कर फरमाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ये कहते हुए जा रहे थे कि रास्ता छोड़ दें, ये ऊंटनी अल्लाह के हुक्म से चल रही है, ये ऊंटनी जहां पर रुक जाएगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा क़याम वहीं रहेगा। तो इस तरह कई कबीलों ने, आप अगर देखेंगे मसाफत मस्जिद नबवी से लेकर के मस्जिद कुबा तक जो मसाफत है तकरीबन पांच से छह किलोमीटर, 7 किलोमीटर का फासला तकरीबन लगभग है, इसी के आसपास कुछ फासला है ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी को लेकर जा, कई कबीले वाले आपसे यही कह रहे थे और आप यही जवाब देते हुए गए। उसके बाद आखिरकार ऊंटनी जिस जगह पर रुकी थी वो हजरते अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर के सामने ऊंटनी रुकी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा क़याम यही होगा। फिर आप अबू अय्यूब अंसारी के घर में रहते थे, तो चूंकि घर के कुछ बालाई हिस्से में अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला और उनकी अहलिया ऊपर रहती थी और नीचे जो है अल्लाह के रसूल सल्लम थे, तो उस सिलसिले में बताती हैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ने एक एक मरतबा हम लोग सो रहे थे तो पानी का मुश्केजा था, हमारे हाथ से छूट करके गिर गया, तो चूंकि जो ऊपर की छत थी वो मिट्टी की थी तो हमें डर हुआ कहीं अल्लाह के रसूल सल्लम पर पानी ना गिरे, तो अल फौर जिस कम्बल पर हम उड़कर सो रहे थे वही कम्बल से फौरी तौर पर उस जमीन को खुश्क कर दिया इस डर से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार ना हो जाए पानी के कतरों से। फिर इसी तरह से अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो भी खाने के लिए आता तो आप उसको खा लिया करते थे और बचा हुआ हमारे पास भेज देते थे, तो मैं और उम्मे अय्यूब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां से खाए हुए हैं उसी मकाम से खाने की कोशिश करते थे। एक मरतबा आपके पास जो है प्याज लहसुन से बना हुआ कुछ चीज आई प्याज लहसुन की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मना कर दिया, खाया नहीं। जब उसकी वजह पूछी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिब्रील मुझसे सरगोशी नहीं करेंगे, इस बो से प्यास की और लहसन की बो से जिब्रील मुझसे सरगोशी नहीं करेंगे। तो बहरहाल ये कुछ चीजें थी जो हम इससे पहले, यानी ये लॉकडाउन से पहले जो हमारा आखिरी दर्स हुआ था यहां तक तकरीबन हम पढ़े थे, बराबर बता रहा हूं मैं या इसके आगे कुछ गए थे? पुराने अहबाब में कोई है इसमें? हमारे बराबर है अबू रेहान साहब, अबू रेहान साहब शेख रेहान साहब के वालिद साहब शायद उसमें नहीं है। तो बहरहाल हम लोग यहां तक गालिबन यहीं तक पढ़े थे हम। अभी उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हिजरत करके आ गए थे, अब आपके घर वालों की हिजरत बाकी थी, तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों को, और इसी तरीके से आपकी आपका निकाह हो गया था हिजरत से पहले हजरत सौदा बिनते जमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से, माई खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफात तक आपने किसी से निकाह नहीं किया था। फिर आपकी वफात के बाद आपका दूसरा निकाह हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ था। तो आप क्या किए थे, हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम अबू राफ़ी, इन्हें जो है इन दोनों को भेजा था। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु भी अबू राफ़ी के जरिए से आपके जो घर वाले आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर आपके बेटे अब्दुल्ला बिन अबी बकर वगैरह को ये दोनों जाकर के साथ लेकर के आ गए मदीने मदीने की तरफ। तो बहरहाल यहां तक हम लोग पढ़े थे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां आ गए हैं, ऊंटनी जो है अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर के अपोजिट आमने सामने यानी रुक गई थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर जो है टेम्पररी आपने क़याम फरमाया था। अभी जो है जो जरूरत पेश आई थी वो जरूरत ये थी कि आप जाने के कुछ ही दिनों में कि अब जो है अब ये जो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आप इसको बांट लीजिए, हिस्से में बांट लीजिए कि सन एक हिजरी यानी हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 10 हिजरी तक, सन एक हिजरी में क्या क्या एक्टिविटीज हुई, क्या क्या हादसे पेश आए, क्या क्या नुकसान हुआ, कैसे कैसे परवान चढ़ा इस्लाम, तो ये सब ये तमाम चीजें वन बाय वन हम इस सिलसिले को बांट। तो चलिए अब यहां पर मसला पेश जो आया था वो ये था कि अब लोगों को एक जगह जमा करने के लिए, लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, इज्तिमाइयत कायम करने के लिए, ये सबसे बड़ी चीज है, इज्तिमाइयत लागू करने के लिए, इज्तिमाइयत कायम करने के लिए एक सेंटर होना चाहिए, और सेंटर क्या था उस वक्त, मस्जिद। तो लिहाजा तकरीबन हिजरत करके उलमा इकराम बताते हैं कि 26 दिन, कुछ उलमा 25 दिन 24 दिन जिक्र किए हैं, बहरहाल करीब एक माह तक हिजरत के बाद आप मस्जिद कुबा के अय्याम भी इसमें शुमार कर ले सकते हैं इंशाल्लाह, और यही कुछ इख्तिलाफ है ये मस्जिद कुबा के अय्याम शुमार करेंगे या नहीं करेंगे। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के से निकले हिजरत, ये अय्याम सब मिलाकर के उसमें काफी मुअर्रिखीन में इख्तिलाफ है। तो आप बहरहाल ये तमाम चीजें जहन में रख करके आप ये समझें कि हिजरत एक माह बाद तक, ठीक एक माह तक मुसलमान जो नमाज पढ़ रहे थे वो दो दो रकात नमाज पढ़ रहे थे, चाहे वो फजर के वक्त हो, जहर के वक्त हो, असर के वक्त हो, क्योंकि नमाज की फर्जियत तो हो गई थी कब, मेराज के वक्त। अब जबकि जो है मैं ये भी वाजे किया हूं कि मेराज से पहले ही जो है नमाज की फर्जियत हो गई थी, मगर कैसे नमाज, कितनी नमाजें, ये कोई तय नहीं हुआ था। अब ये तय कब हुआ था कि 5 नमाजें फर्ज हुई, वो मेराज के वक्त हुई थी। मेराज से पहले तक कितनी नमाजें, नमाज फर्ज हुई थी, अल्लाह ताला कहा कि नमाज कायम करो वगैरह सब, मगर कितनी रकात, क्या रकात, कब, ये तरीका नहीं आया था।
फिर जो है मेराज के वक्त 5 नमाजें फर्ज हुई औकात के साथ, टाइमिंग फजर जोहर असर मगरिब इशा, फिर उसमें भी जो है आप तख़फीफ के साथ कितनी रकातें पढ़ना है नहीं था, तय नहीं था, और इज्तिमाइयत के साथ भी मुसलमान जो है नमाज नहीं पढ़ रहे थे, इनफरादी तौर पर अपने आप जो है नमाजें अदा कर लिया करते थे। तो अल्लाह के रसूल अस्सलाम जरूरत महसूस किए इस इज्तिमाइयत को कायम करने के लिए मस्जिद की जरूरत है, लिहाजा आप फतहुल बुखारी की शरह उमदतुल कारी अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह शेख समहूदी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों जिक्र करते हैं कि तकरीबन आप हदीस भी एक है कि हज़ी नेमतुल्लाहि अलैकुम फ़क़बिलुहा, सहाबा इकराम क्या किए, फर्ज नमाजें दो दो रकात थी, वो दो दो रकात पढ़ करके सहाबा नफीलें भी पढ़ना शुरू किए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोके, कहा कि ये अल्लाह की नेमत है, आप इसको कबूल करो, तख़फीफ कर लो, ये अल्लाह की एक नेमत है। तो तख़फीफ के साथ नमाज पढ़ रहे थे, दो दो रकात नमाज पढ़ रहे थे। इमाम सहली रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि अब ये हिजरत के एक माह के बाद, हिजरत के एक माह के बाद मस्जिद तो कायम हो गई, मस्जिद की तामीर तो शुरू हो गई, अब मैं आगे बताऊंगा कैसे। अलबत्ता ये जो इज्तिमाई नमाज, नमाज मुकम्मल नमाज जो है एक साल के बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लम 4 रकात फजर के, 2 रकात जहर के, 4 असर के, 4 और इसी तरह मगरिब के, 3 इशा के, 4, एक साल के बाद जो है इसको पढ़ा था, अल्लाहु आलम। अब यहां इख्तिलाफ, अब ये जो चीज है इसी में मुसाफिर की नमाज का इख्तिलाफ है, इसी में क्या इख्तिलाफ है, मुसाफिर की नमाज का इख्तिलाफ है। क्या है मुसाफिर की नमाज का इख्तिलाफ? अब कुछ लमा कहते हैं कि मुसाफिर अगर पहली बात सफर करें, सफर करने के बाद तय नहीं है, वो डायरेक्ट मुकीम की नमाज पढ़ेगा, हनाफ वगैरह सब जिक्र करते हैं, और दीगर उलमा कहते हैं कि 3 दिन तक मुसाफिर के लिए छूट है, 3 दिन तक वो कसर करेगा। अब ये 3 दिन, उसमें भी वजाहत है कि अगर सफर मुहद्दद हो, सफर तय हो और वो 3 दिन के ऊपर हो तो सिर्फ वो 3 दिन तक कसर करेगा, उसके बाद 4th दिन से तकमील करेगा यानी मुकीम की नमाज अदा करेगा। और अगर सफर तय नहीं रहा तो चाहे कितने भी दिन हो वो कसर करता रहेगा। दीगर उलमा कहते हैं कि नहीं, 1 महीने तक कसर करेगा। उनकी दलील क्या है? यही है कि हिजरत के 1 महीने तक जो है सहाबा कसर की नमाज पढ़ते थे। और दीगर उलमा कहते हैं जो इमाम सहली रहमतुल्लाह अलैह जो साबित किए हैं, 1 साल तक जो है तख़फीफ चल रही थी नमाज में, तो उसके तहत कहते हैं कि 1 साल तक। बकिया उलमा कहते हैं कि सफर के लिए चले गए, अगर हमारा इलाका छोड़कर चले गए, जबकि आपकी आपका वतन ये है, आप वतन छोड़कर दूसरे वतन चले गए, दूसरे गांव चले गए, तो आप जब तक वहां हैं तब तक आप कसर करते रहेंगे। इसी बेस पर बहरहाल फुकहा के नजदीक सफर के कसर पर इख्तिलाफ है। अब चलिए मस्जिदुन नबवी की तामीर, मस्जिदुन नबवी की तामीर आप देखें, हम लोग पढ़े थे कि सिर्री दावत जब तक थी तो मुसलमानों का गढ़ और मरकज सेंटर कौन सा था, जवाब दें। अभी ये बिल्कुल इंशाल्लाह ये रिवाइज नहीं है बल्कि एक क्लास की शक्ल है, जवाब दे सकते हैं कोई भी इंशाल्लाह। सिर्री दावत तक इस्लाम का सेंटर कौन सा था 3 साल तक? दारुल अरकम। दारुल अरकम, आपको जज़ाए खैर वाहिद भाई, दारुल अरकम ये सेंटर था मुसलमानों का। तो वहां पर इबादत करना हो या फिर जो है तौहीद पर मजबूती लाना हो, इस्तिकामत की दावत देना हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लम वहां पर जमा होते थे। फिर 3 साल के बाद इबादत के लिए मस्जिदुल हराम में अल्लाह के रसूल सल्लम नमाज पढ़ते थे, जैसा कि वाकया है कि उनकी उजड़ी डाली गई, दीगर जो है कई सहाबा का ईमान लाना है अल्लाह के रसूल सल्लम की नमाज और तिलावत को सुन करके, तो मस्जिदुल हराम में अतराफ व अकना बुतें थी मगर अल्लाह के रसूल सल्लम की नमाज पढ़ते थे। सहाबा भी अपने अपने हिसाब से जो है जमा हो करके, जमात के साथ तो नमाज नहीं थी, अपने अपने मुकामात पर वो जो है नमाजें पढ़ लिया करते थे। कब तक? मेराज से पहले तक, वो कबला तुलू शमसी व कबला गुरूबी हा,
उस हिसाब से सुबह और शाम दो वक्त नमाज पढ़ लेते थे, कैसी नमाज थी, क्या थी, अल्लाहु आलम, इसकी तफसीलात मज़कूर नहीं है। फिर जो है ये हिजरत तक मामला ऐसा रहा कि मस्जिदुल हराम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, अय्याम हज भी आता था, अय्याम हज में लोग नंगे तवाफ करते थे और दौरान तवाफ जो है सीटियां बजाते थे, दौरान तवाफ जो है तालियां बजाते थे, ये उनका तरीका एक इबादत था। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी दावत को, इस्लाम की दावत को जारी रखते थे और अपनी इबादत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसरूफ रहे। तो जब मदीना आ गए, अब यहां पर एक जगह जमा होने की जरूरत, यानी जिसको मैंने जिक्र किया इज्तिमाईयत, ये अशद जरूरत है मुसलमानों के लिए। इज्तिमाईयत कायम करने के लिए एक गढ़ होना पड़ता है, एक सेंटर होना पड़ता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज की जरूरत को महसूस किया, चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी जहां पर बैठ गई उस जगह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया कि यहां पर मस्जिद नबवी तामीर होगी। और याद रखें आपको, ये वो जगह थी जब मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना भेजे थे, तो मुसाब बिन उमैर उसी मुकाम पर लोगों को नमाजें पढ़ाते थे। मैं जुमा के सिलसिले में बताया था कि जुमा कैसे कायम हुई, तो जुमा भी जो है मुसाब बिन उमैर इससे पहले पढ़ा दिए थे, मगर बिल्कुल उस तरीके से नहीं जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया था। इसी तरह हजरत मुसाब बिन उमर के वापस आ जाने के बाद, आप वापस आ गए थे मक्का, तो असाद बिन जुरारा रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर लोगों को नमाजें पढ़ाते थे, दीन सिखाते थे, तौहीद बताते थे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह को इख्तियार किया और वो जगह सिर्फ चार दीवार थी, छत नहीं था, चार दीवारें थी, छत नहीं था। तो हुआ ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह को इख्तियार किया। इख्तियार करने के बाद वो जगह जो है दो यतीम बच्चों की थी, सहल और सुहैल रजी अल्लाह अन्हुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को बुलाया, खरीदने की बात की, तो उन दोनों ने हिबा करने के लिए तैयार हो गए, मगर चूंकि यतीम थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी कीमत हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अदा की थी। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर के जो मौजूदा वैल्यू थी उस जमीन की, वो वैल्यू के हिसाब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कीमत अदा कर दिया था। फिर आप इस चीज को कायम करें, देखें मस्जिद कई चीजों का गढ़ होती है। हमारे पास आज मस्जिद को हम सिर्फ जाए नमाज या मुसल्ला बना के छोड़ दिया है, नमाज के लिए खड़े हुए, फर्ज नमाज को लोग आए, सलाम फिरे, लोग अभी जिक्र करते रहते हैं, मौजिन साहब लेटा ऑफ करना शुरू कर देते हैं, फैन ऑफ करना शुरू कर देते हैं, और कोई ताखिर से इबादत करते हुए बैठ गया तो इंतजार में रह जाते हैं, इसे खड़े होते हैं कि अभी बेचारा अपनी इबादत को छोड़ करके वापस आ जाए। तो बेर कैफ कुछ हिकमतें हैं, वजूहत हैं। मस्जिद को 24 आवर्स तो खुला नहीं रख सकते, अगर खुली रख देंगे, पहले दौर की तरह इस्लामी पाक शहर नहीं था, पाक लोग नहीं थे, आज चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मसाइल हो सकते हैं, तो मस्जिद को बंद रखा जाए, मगर मस्जिद से जो फायदे हैं, इज्तिमाई फायदे, वो कायम होने की अशद जरूरत है। मस्जिदें पहले दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अरब दुनिया में दीनी तालीम और दुनियावी तालीम गाहें हैं मस्जिदें। मैथमेटिक्स सिखाते हुए देखेंगे आप मस्जिदों में, मैथ्स, इसको हम जो है दीनी तालीम और दुनियावी तालीम में तकसीम कर दिया, जबकि जो है सब कुछ जो है दीनी तालीम ही है। आप देखेंगे मैथ्स के हो, बड़े बड़े साइंस के टीचर्स जो रहे हैं, उसके बुनियाद डालने वाले मुसलमान रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान रहे हैं। साइंस जो है कुरान से शुरू हुआ है, साइंस पहले था ही नहीं। बहरहाल तो बेरे कैफ, तो मस्जिद एक तो दीन और दुनियावी तालीम की तालीम गाहें होनी चाहिए, फिर मस्जिदें बिगड़े हुए लोगों को सुधार की जगह बनानी होनी चाहिए, मस्जिदें दाइयों को दावत के लिए भेजने की जगह होनी चाहिए, मस्जिदें गुरबा वो मसाकिन की गुरबत दूर करने के लिए मस्जिदें होनी चाहिए। कैसे दूर होंगी भाई, आप मस्जिद अगर बनाएंगे तो मस्जिद से आप कायम कीजिए क्या बोलेंगे उसको, बैतुल माल कायम कीजिए, बैतुल माल में आपका जकात आपके पास जमा हो पूरे मोहल्ले का,
पूरे गांव का, पूरी बस्ती का, आप जो है मस्जिद के जरिए से छान लगाएं, वलआमिलीना अलैहा, उसमें काम करने वालों को भिजवाएं, देखें मालूम करें कौन कौन मुस्तहिक है ज़कात का, मालूम हुआ फिर इस मस्जिद के जरिए से ज़कात पहुंचाई जाए, तो क्या मस्जिद से गुर्बत दूर नहीं होती है? दूर हो रही है। इसी तरह फितरा, फितरा है, आप इसको भी जो है इकट्ठा करें मस्जिद में बैतुल माल के जरिए, जैसा अहद नबवी में खुलफा राशिदीन के दौर में सब होता था, और आज भी अरब दुनिया में बाकायदा तौर पर सेंटर्स, दावत सेंटर बाकायदा तौर पर बैतुल माल बतौर सेंटर के मौजूद हैं हर मोहल्ले के लिए। मदीने में हमने देखा है हर मोहल्ले के लिए एक सेंटर होता है, और वो मालूम करते हैं, और उसके एक एक मंदूब होते हैं, वो घर घर की छानबीन रखते थे, घर घर की छानबीन रखते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ ये वाकया पेश आया, हम तालिब इल्म थे, तालिब इल्म होते हैं, तो हम लोग अपने किराए के मकान, किराए से जो है घर लेकर मदीने में थे। तो आप यकीन मानिए, चूंकि हम लोगों को जो मुकाफा यानी माहाना जो मदीने में पढ़ा करके जो हमें मिलता था, वो एक 850 रियाल के करीब कुछ मिलता था, जिसकी कीमत 15-16 हजार होती थी। अब जबकि जो है हमारा किराया ही 1000 रियाल के ऊपर होता था, तो बहरहाल लेकर रख लिए थे। तो अल्लाह ताला ऐसे ऐसे अफराद को भेजता था, हम असर की नमाज के लिए दरवाजा खोल करके बाहर निकल रहे हैं, दरवाजे के पास फलों की थैली लटकी हुई है, हम नमाज के लिए और खासकर असर की नमाज के वक्त, क्यों? क्योंकि अरब का टाइम होता है कि जहर के बाद आराम फरमाते हैं, जहर के बाद कैलुल्ला करते हैं वो लोग। फजर के लिए दरवाजा खोलें तो दरवाजे के पास ताजा ताजा गोश्त रखा हुआ है, तरकारियां रखी हुई हैं, हाँ कभी जो है एक थैली में चेक रखी हुई है, हमारे नाम की चेक रखी हुई है, अल्लाह अकबर। तो ये काम होता था सेंटर से, करने वाला कौन, देने वाला कौन, अल्लाह अकबर नहीं मालूम था। ऐसे ऐसे लोग होते थे बाकायदा तौर पर। कोई एक आदमी, ऐसा आदमी भी आया जो अपने चेहरे को बिल्कुल शिमाग जो होता है उस शिमाग से बांध लिया था, सिर्फ आंख दिख रही थी उसकी। वो तलबा को बुलाता था, तलबा के पास आता था, वो आकर बैठा, नाम पूछा, चेक लिख कर देकर चला गया बस, और उसमें एक पेपर दे दिया कि मेरी वालिदा के लिए, वालिद के लिए दुआ कीजिए। तो बहरहाल मस्जिदें, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मस्जिदें जो है सेंटर होती हैं गुर्बत को दूर करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए, तो ये होना चाहिए। आज हम मस्जिद को एक जाय नमाज बना दिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जाय नमाज के लिए तलब नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताना चाह रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो महसूस किए वो इज्तिमाइयत की खातिर महसूस किए। आज नमाज जुमा, गौर से सुनिए, नमाज जुमा बहुत अहम रोल अदा करता है। अल्लाह ताला कम अज कम मुसलमान, तौफीक तो अल्लाह ताला की तरफ से है ही, कि ये तौफीक कम अज कम मुसलमानों को इतनी हासिल है कि जुमा के लिए कम से कम आ जाते हैं, तो उस जुमा से कितना फायदा हो जाता है, ऐलानात हो जाते हैं, कई खबरें मालूम हो जाती, दीन मालूम हो जाता है। अगर जुमा नहीं होता तो क्या हाल होना था हमारे दिनों का, हमारे दीन का मामला क्या होना था? तो ये इज्तिमाइयत का एक फायदा है कि जुमा में जब जमा होते, जैसे जुमा में जमा होते वैसे हर नमाज में जमा होना चाहिए, अहद नबवी में ऐसे ही होता था, तो तभी एक कामयाब मुआशरा पैदा होता है, कामयाब मुआशरा बनता है। तो अहद नबवी में ऐसा मामला होता था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जरूरत को महसूस कर करके इस जगह को खरीदा। सहल और सुहेल रजी अल्लाह अन्हुमा से, यतीम लड़कों से, उन्हें जो है उसकी कीमत भी अदा कर दी थी। फिर जो है अब यहां पर अहद नबवी में उसकी तामीर हो गई। तामीर कैसे? उसके दीवार जो है यानी सुतून, मस्जिद नबवी के सुतून खजूर के तनों से बनी थी, और छत जो है खजूर की डालियों से बनी थी, समझ रहे हैं? तो अब अहद नबवी ही में, अब मैं इसकी यहां पर जो है मस्जिद नबवी की तामीर और तौसी इस पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं। मस्जिद नबवी को कब कब जो है कौन से अहद में तामीर किया गया, तौसी रिन्यू कब कब किया गया, और कब कब तौसी की गई, तौसी यानी शादा किया गया। सबसे पहले तक कमजोर थी, मुसलमानों की माली हालत खैबर से पहले तक कमजोर थी, फतेह खैबर के बाद मुसलमानों की माली हालत में इजाफा हुआ, इक्तिसादी हालत मजबूत हुई, हत्ता के मस्जिद नबवी के अंदर जो चराग जलाई गई वो भी जो है सन 9 हिजरी में, 8 हिजरी में बताया जाता है, खैबर के बाद। कमजोर हालत थी,
खाने को खाना मुश्किल था, पीने को मुश्किल था, इतना बड़ा मामला था। एक तो दलील ये हो गई। तो अब जाहिर सी बात है जब हालत अच्छी हुई तो मस्जिद की तौसी हुई। दूसरी दलील, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने एक रिवायत में कहते हैं कि मैं मस्जिद की जब तामीर हो रही थी तो मैं जो है एक एक पत्थर, ईंट के माने बड़ा 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 पत्थर, एक एक पत्थर मैं उठा करके लाता था, जबकि हजरत अम्मार बिन यासिर दो दो पत्थर उठाकर ला रहे थे। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मार बिन यासिर को देख करके, उनकी फजीलत मालूम हुई इससे कि अम्मार बिन यासिर को देख करके कहा, वैहा अम्मार इन तक्तुलहुल फियतुल बागिया। अरे अम्मार बिन यासिर, कितनी बड़ी बात है, तुम्हें जो है एक बागी जमात तुम्हें कत्ल करेगी, तुम उन्हें अल्लाह की तरफ दावत दोगे और वो तुम्हें शिर्क की तरफ दावत देंगे। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई ये हुई कि अम्मार बिन यासिर की वफात भी जो है ऐसे ही हुई, शहादत वैसे हुई कि एक बागी फिरका जो है हजरत अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया था। तो बहरहाल इसमें दलील क्या है, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप देखेंगे कि हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु जंगे उहद में, उनकी उम्र 13 साल थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने जंग में शरीक नहीं किया उनको। किसको? हजरते, बताइए हजरते, अबू सईद अल खुदरी। अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह, जवाब हर कोई दे सकते ना सादिक भाई? जी दे सकते हैं, सिर्फ अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं इंशाल्लाह। अनम्यूट करके जवाब अगर कोई देना चाहे तो दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं इंशाल्लाह। जी जी। तो हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में क्या है कि मैं एक पत्थर लेकर जाता था मस्जिद नबवी की तौसी के लिए, तामीर के लिए, जबकि जो है हजरत अम्मार बिन यासिर दो दो पत्थर लेकर जाते थे। तो अब ये देखिए, सन 3 हिजरी में जंगे उहद हुई, तो जंगे उहद के वक्त हजरत अबू सईद खुदरी की उम्र कितनी थी? 13 साल थी। आपको पीछे कर दिया गया। अब सन 4 हिजरी अगर बोलेंगे तो सन 4 हिजरी में अगर तौसी हुई, अगर इस बात को माना जाए, तो अबू सईद खुदरी की उम्र कितनी हुई? 14। तो इतनी छोटी उम्र में 14 उतना बड़ा पत्थर उठाना ये मुश्किल है, ये नामुमकिन है। तो लिहाजा अब पहली मरतबा जब तौसी हुई तो उस हिसाब से कितना हो गया, पहली मरतबा जब मस्जिद नबवी बनी उनकी उम्र कितनी हो गई? 10 साल हो गई। 13 साल। तो 10 साल में भी नामुमकिन, 13 साल में भी नामुमकिन, क्योंकि पत्थर बड़े मजबूत होते थे। इसलिए जो है अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र उससे जायद हुई होगी। तो ये एक बेहतर लगी दलील। इसी तरह मस्जिद नबवी की जो तौसी हुई, पहली मरतबा तामीर के वक्त किसके पास से पैसा लिया गया, कौन खर्च किए थे पैसा? अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। ज्यादा पैसा अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। जबकि दूसरी मरतबा जो तौसी हुई हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है दूसरी मरतबा खर्च किए थे। तो इससे मालूम हुआ कि उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु का खर्च करना, ये बाद में ही हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु की तिजारत बहुत डेवलप हुई, बहुत तरक्की, बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु बाद में खर्च किए थे। तो इससे यह भी एक तीसरी दलील हो गई। चौथी दलील, बनू हनीफा। बनू हनीफा कौन है? बनू हनीफा कौन है? एक स्क्रीन कोई शेयर कर रहा है जी, बराह करम थोड़ा स्क्रीन शेयर ना करें, किसी का खवातीन की तस्वीरें आ रहे हैं, अल्लाह के लिए ना करें, जो कोई भी है अल्लाह के लिए ना करें। किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो जरूर पूछिए, इसलिए कि ये इल्म में खलल है, अल्लाह माफ फरमाए। देखें अगर बाय मिस्टेक हो गया तो अल्लाह आपको माफ फरमाए। मैं कह रहा था कि एक तो पहली दलील माली हालत, दूसरी दलील हजरत अबू सईद खुदरी की, तीसरी दलील हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, अन्हु रजी अल्लाह तआला अन्हु की, जब उन्होंने जो है खरीदा था। सादिक भाई
कोई स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, थोड़ा देख लें। गलती से शायद हो रहा है किसी के हाथ से, तो चेक कर रहा हूँ। वीडियो नहीं स्क्रीन, आप स्क्रीन करने शेयर करने को रोक सकते हैं। हाँ मैं रोक सकता हूँ, लेकिन फिर से शेयर करते हैं तो आ जाए। जी जी चेक करता हूँ। अभी मेरी वीडियो आ रही है। जी जी आ रही है। जी सुनील जी, तो मेरे हाल चौथी दलील अभी मैं पेश कर रहा हूं। चौथी दलील ये है कि बनू हनीफा वफ्द, बनू हनीफा, बनू हनीफा का वफ्द से मुराद कौन है? बनू हनीफा एक कबीला है। तो बनू हनीफा का वफ्द हिजरत करके मदीना आया। ये कब आया वफ्द? आप देखेंगे आमुल वफूद, एक सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आमुल वफूद यानी वफ्दों का साल, ये एक सबक ही है। ये आमुल वफूद तकरीबन सन 8 के आखिर से लेकर के 9 हिजरी तक आया। 8 हिजरी और 9 हिजरी में ये आमुल वफूद से मुराद पूरे वफदे जो है, माफ करना, ये खास तौर से बनू हनीफा का वफ्द जो है आपको 7 हिजरी में आया। 7 हिजरी के आखिर में जो है बनू हनीफा का वफ्द आया। तो बनू हनीफा का वफ्द जब आया तो उसमें कई ऐसे हदीसें हैं, उसमें से एक हदीस मैं आपके सामने नोट किया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तौसी हो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए थे, قدموا اليمامي من الطين فانه من احسنكم له مسا। बनू हनीफा ये यमामी लोग थे, तो कहा कि यमामी लोगों करीब हो जाओ मिट्टी से, इसलिए कि मिट्टी को तुम अच्छा गोंदते हो, मिट्टी को अच्छा मिलाते हो, मिला करके तामीर करने के लिए। तो इससे मालूम हुआ कि बनू हनीफा का वफ्द जो आया वो सन 7 हिजरी में आया। तो इससे मालूम हुआ कि मस्जिद नबवी की तौसी कब हुई? सन 7 हिजरी में हुई। चलिए, चार दलीलें आपके सामने मैंने पेश किया। तो अब इस हिसाब से मस्जिद नबवी की पहली तामीर 1 हिजरी में हुई, फिर उसकी तजदीद रिन्यू थोड़ी तौसी के साथ जब सहाबा की तादाद बढ़ गई, मुसलमान बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल कर रहे थे, वफ्द दर वफ्द इस्लाम कबूल कर रहा था, तो अल्लाह के रसूल सल्लम जरूरत महसूस करके मस्जिद की तौसी की सन 7 हिजरी में। उसके बाद फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला का दौर आया, खिलाफत अबू बकर रजी अल्लाह तआला। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला के दौर में मस्जिद नबवी के सुतून जो खजूर के तनों से, खजूर के जड़ों से बना था, वो बोसीदा हो गया था, कमजोर हो गया था। धूप वगैरह सब जब ज्यादा पड़ेगी ना तने पर, क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, हल्का हो जाएगा। जी, तो बोसीदा होने की वजह से अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि जो है मसरूफ रहे मुर्तदीन वगैरह के साथ जंग करने में, उसी में अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला मसरूफ रहे, तो बहरहाल दोबारा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु खजूर के तनों से फिर दोबारा सुतून बनाए और छत जो है खजूर की डालियों पत्तों से आपने एक छत को फिर दोबारा बनाया, थोड़ी तौसी के साथ, मुख्तसर सी तौसी के साथ। उसके बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला का दौर खत्म हो गया। फिर हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या किए? आप जब उस दौर में तो बेशुमार मुसलमानों की तादाद बढ़ रही थी। अब तारीख नोट कर लीजिए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला के दौर में सन तकरीबन 11 हिजरी के आखिर में, 11 हिजरी डाल लीजिए आप, 11 हिजरी में दोबारा रिन्यू जो हुआ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला के दौर में सन 11 हिजरी में। फिर हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमानों की तादाद और बढ़ रही थी सन 17 हिजरी में, 17 हिजरी में आप जो है दीवारें तकरीबन इंसान के कदम जितने आते हैं, कितने? 2.5 फिट, 2 फिट, 3 फिट, यानी 2 से 3 फिट तक आप पत्थर बनाए, 2 से 3 फिट तक पत्थर की दीवार बनाए, फिर उसके ऊपर खजूर के तनों से आपने बनाया तकरीबन 3 फिट तक पत्थर के
पत्थरों से आपने दीवारें बनाई, उसके ऊपर बाकी खजूर के तनों से आप रजी अल्लाह तआला हजरत उमर और खताब रजी अल्लाह तआला ने बनाए। फिर उसके बाद सन 29 हिजरी हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला पूरे अच्छे साजो सामान के साथ पत्थरों वगैरह सब हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला पत्थरें वगैरह सब लेकर के ऐसे मजबूत चीजों से जबरदस्त आपने तौसी के साथ साथ जरूरत के लिहाज से सन 29 हिजरी 29 हिजरी में आपने मस्जिद को रिन्यू किया और जो है तौसी भी की, काफी बड़ी तौसी की हजरत उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला। इतनी अच्छी तौसी की कि उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला के दौर में मस्जिद को तौसी करने की जरूरत पेश नहीं आई। चलिए उसके बाद फिर तौसी का सिर्फ लंबा है वो फिटे वगैरह सब बयान करते करते, अभी तारीख में अगर हम देखेंगे तो दो मरतबा मस्जिद नबवी पर आग लगी है। सही सीरत के मुताबिक, सही तारीख के मुताबिक हमें मिलता है कि दो मरतबा मस्जिद नबवी में आग लग गई थी। पहली मरतबा उस वक्त वहां के बादशाह मुस्तासिम बिल्लाह, नाम क्या था, मुस्तासिम बिल्लाह, इमाम समहूदी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मुस्तासिम बिल्लाह इसके दौर में एक खादिम था मस्जिद नबवी का, अबू बकर बिन औहद। तो ये खादिम रोशनी का मशाल चिराग लेकर जो है गोदाम में गया मस्जिद के, तो मशाल गिर गया जिसकी वजह से गोदाम पूरा जल गया। गोदाम जल करके इतना जला कि मस्जिद नबवी में भी आग लगी और पूरे छत तक वो आग असर कर गई। तकरीबन 654 हिजरी 654 हिजरी में मस्जिद नबवी को आग लग गई। इस तरह मस्जिद राख हो गई थी। अब्बासी खलीफा मुस्तासिम बिल्ला यमन और मिस्र के बादशाहों ने माल खर्च किया, उनके पैसों से मुस्तासिम बिल्ला की निगरानी में उसने जो है मस्जिद नबवी की तामीर करवाई अज़सरे नौ मुकम्मल नए अंदाज में। कब? 655 हिजरी में। और माशाल्लाह उस वक्त सन 700 हिजरी की बात है, सातवीं सदी वगैरह में सब मिस्र के बादशाहों ने मस्जिद नबवी की काफी हिफाजत की और काफी इन्होंने पैसा खर्च किया। खास तौर से इसमें सुल्तान अशरफ कायत बाई मशहूर हैं, सुल्तान अशरफ कायत बाई, आप देखें कायत बाई अशरफ, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। जी जी जी, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया हूँ, नाम लिख करके बताया। अभी आ रहा ना? आवाज आ रही ना मेरी? जी आ रही है। उसके बाद फिर अब्बासी हुकूमत जी, फिर उसके बाद अब्बासी हुकूमत तकरीबन खत्म हो गई 896 हिजरी 886
886। बादल बहुत गरज रहे थे उस वक्त के मुअज्जिन, मुअज्जिनों के हेड शमसुद्दीन बिन अख्तब ये अजान दे रहे थे, बिजली की कड़क आई, खतरनाक बादल गरज रहे थे, तो बिजली की एक कड़क जो है मस्जिद के मस्जिद नबवी के शिमाली हिस्से में गिर गई, जिसकी वजह से मस्जिद नबवी दोबारा जल गई, हत्ता के रईसुल मुअज्जिन शमसुद्दीन ये भी अल्लाह को प्यारे हो गए। बिल आखिर फिर जो है मस्जिद नबवी की तामीर असर नौ सन आठ सौ सीधी नहीं आ रही है प्यारे, आ रही है जी। इसके बाद जो है सन 886 हिजरी 886 के बाद जो है मस्जिद नबवी की दोबारा असर नौ, पूरी मस्जिद राख हो गई थी, खत्म हो गई थी, किताबें अंदर जो है किताबें जल गए थे, किताब की अलमारियां जल गई थी, कई कुराने जल गए थे, मस्जिद के दरवाजे जल गए थे, तो तकरीबन काफी असर हुआ पूरी मस्जिद को। नए सिरे से दोबारा सुल्तान अशरफ कायत बाई, जिसका जिनका नाम जिक्र मैंने किया, उन्होंने मस्जिद की तौसी फिर नए जिंदा से करवाए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जैसे ही इज्तिमाईयत कायम हुई, फिर मैं दोबारा आ रहा हूँ अहद नबवी में सुल्तान है। हाँ बस एक मिनट, एक मिनट में। तो बहरहाल फिर जो है वक्त आया अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए, तो मस्जिद तो बन गई, अब लोगों को जमा करने का कोई एक तरीका होना चाहिए, तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा किया। अब ये यहूदियों का तरीका वो है जर्ज बजाने का, इनका तरीका घंटे बजाने का है, मजूसियों का आग जलाने का है इबादत को बुलाने के लिए, लिहाजा मुसलमानों का कोई एक तरीका होना चाहिए जमा करने के लिए। फिर सो गए सब जा करके। अब यहाँ पर ख्वाब में देखा हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, अजान के कलीमात ख्वाब में देखा उन्होंने, सुबह सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने कलीमात देखे, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर मक्तूम को अजान देने का हुक्म दिया, और जैसे ही अजान की आवाज फजर के कान में हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के कान में गूंजी, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ते हुए आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कलीमात मैंने भी ख्वाब में देखे। तो इस तरह जो है अजान की मशरूयत नमाज की इज्तिमाईयत के बाद ही हुई। अब कितने दिनों के बाद हुई, कैसे हुई, और अजान से पहले कैसे मुसलमान इकट्ठा होते थे, इसकी कोई सराहत मुझे तो नहीं मिली, इसकी सराहत मुझे तो नहीं मिली, ना ही हदीसों से ना ही तारीख की रोशनी से, कि कैसे लोग आते थे, कैसे जमा होते थे। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अजान तो बहरहाल नमाज की इज्तिमाईयत के बाद, जब नमाज मुकीम की नमाज पढ़ना शुरू हुए, तो तब उसके बाद ही अजान की मशरूयत हुई। आज हम यहाँ पर अपने दर्स को खत्म करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने, उसको समझने, उसको सुनने और उससे हासिल होने वाली इबरतों पर नसीहत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।